तो जी ये थी हमारी यहाँ इसके अंदर बैठी हुई थी ब्राइड, उसको हमने नहीं देखा हुआ था क्योंकि वो पार्लर से डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के सीधा चली गई, और मेरी इतनी ख्वाहिश हो रही थी कि किसी तरह ये मिरर अपना नीचे कर ले कि मुझे एक छलक नज़र उसकी आ जाए। हम लोग को से इंतज़ार नहीं हो रहा था उसको देखने के लिए, और चलती गाड़ी में मैं वीडियो बना रही थी, और हम व्लॉगर्स को ना कहीं कहीं ये व्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अपने बड़े भाई से बड़ी डांट पड़ चुकी थी कि क्या कर रही हो, वीडियो मोबाइल नीचे गिरेगा, ये क्या कर रही हो, गाड़ी यहाँ से ऐसी हो जाएगी। तो बहरहाल फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। जी गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी, लेकिन बीच में हम लोगों को स्टे करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, बाकी गाड़ियों का इंतजार करना पड़ा क्योंकि थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। और हमारा प्लान ये था कि हम जहाँ पे हमने पहुँचना है एवेन्यू वाली जगह पे इकट्ठे एक साथ पहुँचे, कोई आगे पीछे ना पहुँचे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो गया कि हम लोगों को फिर भी वेट करना पड़ा क्योंकि दो तीन गाड़ियाँ पहले ही पहुँच चुकी थी और एक गाड़ी जो है वो बल्कि दो और गाड़ियाँ जो है वो लेट हो चुकी थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनका भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा। अच्छा जी, मैं आपको सबसे ख़ास बात इस निकाह के बताते चलूँ कि इस निकाह को जो है वो बढ़ाया है साद हुसैन रिज़वी ने, और वही समझे इस तकरीब के चीफ गेस्ट थे, और उनकी आमद हुई सबने फूल की पत्तियाँ, बहुत सिक्योरिटी में उनको यहाँ पर लाया गया। साद हुसैन रिज़वी के बारे में बता दूँ कि ये इलामा खादिम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो सियासी जमात है तहरीक लबैक पाकिस्तान, उनके अमीर बनाए गए हैं। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن جماعهم في موجودگی میں ابو قبول ہے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر ملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وأحبائه وعلماء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फर्स्ट टाइम इनको लाइव इस तरह देखा था, बहुत ही पुरपकार और पुरनूर शख्सियत हैं। निकाह खैरियत से हो गया, उसके बाद खाना खुला है, बच्चों ने अपना फोटो सेशन करवाया है, ब्राइड का फोटो सेशन हुआ है, और हम अंदर बैठ के जो है वो इनवेलप बना रहे थे क्योंकि किसी भी शादी में जाए ना बगैर इनवेलप के बड़ी होती है बेइज्जती, चाहे वो अपनी बहन का ही निकाह क्यों ना हो। फिर जी हम खैर खैरियत से अपने घर के लिए रवाना हुए, हमने ब्राइड की कोई भी एक पिक्चर, क्योंकि वहाँ पे टाइम उतना शॉर्ट होता है, आपको पता है हर फैमिली मेंबर ने पिक्चर्स बनवानी होती है, फोटोशूट करवाना होता है, तो एक भी पिक्चर अकेली थी ही नहीं। तो हम मैंने गाड़ी में उसको फ़ोन करके कहा कि खबरदार आपने ड्रेस नहीं चेंज करना। फिर मैंने उसको थोड़ा सा घर जाके थोड़ा पिक्चर्स वगैरह ली, फोटोशूट किया, और फिर उसके बाद कहा बहुत हो गया फोटोशूट, बहुत हो गया प्रोटोकॉल, अब हमें देनी है आपने निकाह की ट्रीट, क्योंकि जब हमसे लिए हैं इनवेलप तो उसका हमें जो है वो उसको वापस भी करना पड़ेगा और हमें लेनी पड़ेगी ट्रीट। तो जैसे ही मैंने उसको फोटो सेशन वगैरह घर जाके किया और हम लोग फिर जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए और रात ही को हम लोग निकल गए उससे जबरदस्ती ट्रीट लेने। जो सिस्टर की तो वो हालत हो रही थी जो हर ट्रीट देने वाले की होती है कि हाय अल्लाह मेरे पास कोई जायदाद कहाँ से आएगी, मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो। तो डाल देंगे इनको भी एहसास प्रोग्राम में, लेकिन ट्रीट लेने के बाद, क्योंकि उसके बाद तो वाकई कंगली हो ही जानी है, तो उसके बाद एहसास प्रोग्राम में डालना इनका बनता भी है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।